तो चलिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग भी UPES देहरादून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? जी हाँ, ऑनलाइन एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट July 3 से 5, 2022। जी हाँ, BTEC, BBA, BDS, LLB यानी कि कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर अप्लाई बाय June 30। तो यहाँ पर इसकी डेट जो है वो आगे पीछे होती रहती है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, इनकी जो डेट है वो काफ़ी आगे तक बढ़ भी सकती है। बाय द वे मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसकी डेट बढ़ जाती है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो सिंपली मैंने अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये फॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पर इस फॉर्म को अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल जो भी आपसे पूछी जाती है, यानी कि नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर नेशनैलिटी में इंडियन, आपको ये अच्छी तरीके से ये जो फॉर्म है इसको अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी गलती करते हो तो उसमें दिक्कत आगे जाके आपको हो सकती है। तो प्लीज़ यार, गलती मत करिएगा, बिल्कुल तसल्ली आराम से इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है। बाय द वे आपको बता दूँ, अगर आप लोग अपने करियर को लेकर बिल्कुल सीरियस हो तो आपको बता दूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करते हो तो हमारा जो एक्सपर्ट है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जितनी भी आपको डिटेल चाहिए वो सभी आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाला है। तो उस फॉर्म को अगर आप लोग चाहते हैं अपना फ्यूचर बनाना, तो प्लीज़ यार उस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस मिले। बस मेरा कोई उसमें वो नहीं है कि मैं मेरे कहने पे आप एडमिशन, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ना अच्छी तरीके से उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरीके का, यहाँ पर जो जो आपसे डिटेल पूछी जा रही है आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से डाल देनी है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से फिल जो भी आपसे डिटेल पूछी जा रही है वो सब आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ये सारी डिटेल डाल देते हो, डिटेल डालने के बाद सिंपली आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके का नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें भी मिल जाती हैं। बाय द वे आपको जब भी कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेगा कि आपसे कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कैटेगरी में ये चॉइस कर लिए हैं। तो और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे सिलेबस में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको सिलेक्ट सोर्स में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कैसे पता चला इसके बारे में। आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मैं कहूँगा कंसल्टेंट ही चूज़ करिएगा आप। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना, अगर आप लोगों के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो भी आगे का जो प्रोसेस होता है उसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट रहता है कि किस तरीके से होता है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, पूरी फॉर्म की फिलअप की वीडियोज़ मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वो गूगल फॉर्म नहीं फिलअप किया है अच्छी गाइडेंस के लिए कि आपको फ्यूचर में कैसे काम आने वाले, तो जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिएगा। तो फिर मिलूंगा।